ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षूरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालम् भंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यम् ईश्वरम्। वन्देहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणललिता सागरजातं श्रीरघुनाथान्वितं तां सजीवम् साद्वैतम् सावधूतम् परिजनसहितम् कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जयतां सुरतौ पङ्गोर् मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोज राधा मदन मोहन। दिव्यात् वृंदारण्यम् कल्पद्रुमाद श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थ श्री श्री राधा श्रील गोविंद देव पृष्ठालिभि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान रास रसारंभी वंशी वट तटस्थित कर्षण वेणु स्वनेर्गोपी गोपीनाथ श्रीस्तु नः। नित्यानन्दं हं नौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवं
అవధూత శిరోమణి నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామని గౌరత్విషే నమః నిత్యానంద మంత్ర శక్తి గౌరాంగ గౌర గోపాల హరే కృష్ణ మహామంత్రే సర్వ జీవ ఉద్ధారకః శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్తవృంద తథా రాధా ప్రియ విష్ణు తస్యా కుండం ప్రియం తథా సర్వగోపీషు సైవైకా విష్ణోరత్యంత వల్లభా హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే కృష్ణ హరే హరే రామ హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే రామ రామ హరే హరే నిత్యానంద हम सबको राधा कुंड में आने का शक्ति नित्यानंद प्रभु ने ही दिया। रघुनाथ दास गोस्वामी को, जीव गोस्वामी को, सब गोस्वामियों को नित्यानंद प्रभु ने ही भेजा गौरांग के पास और राधा रानी के पास। उनके बिना कोई नहीं पहुंच सकता। कृष्णदास कविराज को, उनको भी यहाँ नित्यानंद प्रभु ने ही भेजा राधा कुंड। तो कोई भी जीव निताई की कृपा के बिना यहाँ नहीं आ सकता। इसीलिए नित्यानंद प्रभु की बैठक हमारे पीछे ही है, ये आश्रम के पीछे। देखिए आपने कभी, बहुत सुंदर, हीरे मोती से जड़ी हुई है। उन्होंने वहाँ बैठ के कुंड की लीला पे ध्यान किया। तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नैव अखिलम् इति उपदेश सारम्। सब उपदेशों का सार है कि व्रज भूमि में वास करके तन नाम रूप गुण चरिता दुसु कीर्तनानु, उस कीर्तन के द्वारा नाम रूप चरित्र को समझने की कोशिश की। और व्रज में अनुरागी भक्त के संग में रहना चाहिए। जो अनुरागी है, जो प्रेम में मत्त है, ऐसे भक्त के साथ अनुशीलन करना। ये स्मृत्यो क्रमेण मनसार रसना मनसी नियोज्य कालम नई दखिलम इति उपदेश सारम। सारे शास्त्रों का उपदेश का ये सार है कि व्रज में रह के उस राग मार्गीय वैष्णव का संग करके वो मन में नाम रूप गुण लीला का पोषण करना, यही मनुष्य जीवन का सार है। तिष्ठन व्रजे, क्योंकि वो रस व्रज में ही मिल सकता है। मैं व्रज में आया तो सब कुछ भूल गया।
यहाँ का राधा कुंड का दर्शन नहीं किया तो भी मुझे लगता है मैं राधा कुंड में आ गया, कुंज में बैठा हूँ। तो सब कुछ ये व्रज में मिल सकता है, वो भी काले नहीं, मतलब जीवन का बाकी का जो समय है वो व्रज में बिताओ, रूप गोस्वामी कहते हैं। और उस नाम रूप गुण लीला का अनुशीलन, बाद में आपको रामानंद राय को भगवान ने पूछा, नहीं चलेगा कोई बात, फोन उसके बाजू में लगा, वो मैसेज कर रहे हैं, ये फोन काड़ी लोते हैं। स्मरणेर मध्य होए की स्मरणेर पार, स्मरण में क्या स्मरण होना चाहिए, भगवान ने पूछा, रामानंद राय ने बोला राधा कृष्ण नित्य लीला ये स्मरणेर सार, राधा और कृष्ण की नित्य लीला जो ब्रज में हो रही है वो सब स्मरण का सार है। अभी भी मैं आपको कैसे वर्णन करूं, जब मैं बोल रहा हूं आपके साथ तभी भी मैं हृदय में देख रहा हूं कि कृष्ण भगवान कुंजों में अपने घर नंदगांव से निकल चुके हैं, कुंजों में भटक रहे हैं, राधे राधे बोल के रास मंडल की तरफ जा रहे हैं। अभी रात्रि की लीला हो रही है ब्रज में, यशोदा मैया कृष्ण को सुला के चली जाती हैं, बहुत बड़ी खिड़की है उनके रूम में, भगवान वो खिड़की को खोल के निकल जाते, राधे राधे राधे, अभी भगवान चल रहे हैं। आपको बोलते बोलते मैं उसका दर्शन कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको कैसे बताऊँ, उसके लिए आपको दिव्य आँख चाहिए, दृष्टि चाहिए, भक्ति प्रेमांजन छूरित मत विलोचन, संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, ये हृदय में संत हमेशा ये लीलाओं को देख पाते हैं, आनंद का समुद्र हर क्षण वो महा उत्सव में डूबे रहते। कृष्ण के हाव भाव क्या हैं हर क्षण में वो जान सकते हैं, कौन से कुंज से गुजर रहे हैं, राधा को कैसे याद कर रहे, सब कुछ समझ। तो ये स्तर को प्राप्त होना यही ब्रज में रहने का लक्ष्य है, ये राधा कृष्ण की नित्य लीला हमेशा बोलते हुए खाते हुए पीते हुए। अभी मैं क्या कर रहा हूँ ये नहीं सोचना चाहिए, अभी राधा कृष्ण क्या कर रहे हैं वो सोचना चाहिए। मैं कर रहा हूँ तो नींद आ जाएगी, मुझे तो सोना चाहिए। राधा कृष्ण भगवान रात को पूरी रात भर सोते नहीं है, रास लीला करते हैं, सबसे कम भगवान सोते हैं, 3-3:30 बजे रास लीला करने के बाद थोड़ा सा लेटते हैं कुंज में, निकुंज में भी राजे घन श्याम राधे राधे, निकुंज में भी राजे, सो जाते हैं थोड़ा 3:30-4 बजे से लेके 5:30 तक, एक प्रहर 1.5 घंटा आधा प्रहर, फिर जब सूर्य का उदय होने लगता है तो वो बंदर चिल्लाता है भागो भागो, नहीं तो पता चल जाएगा चलो चलो अपने घर, यशोदा मैया दरवाजा खोलेगी और कृष्ण ही नहीं है तो सब पोल खुल जाएगा कृष्ण का, उसके पहले वापस पहुंच जाओ, नहीं तो दूसरा रात में रास नहीं हो पाए, दोनों भागते हैं एक दूसरे, तो उनके बाल अटक जाते हैं राधा और कृष्ण के, तो सब मंजरियाँ उनके फूल मालाओं को उनके बालों को अलग, यही मंगल आरती है, मंगल आरती मतलब क्या, राधा कृष्ण कुंज में सोए हुए हैं
सब गोपियाँ उनके बालों को अलग कर रही हैं, पुष्प को अलग कर रही हैं, को जाने के तैयार कर रही हैं। भक्ति विनोद ठाकुर लिखा है। तो ये लीला का स्मरण यही सार है। ये लीला किसको याद आती है? हाथ ऊपर आती है। मेरी तो इच्छा है कि हर एक शिष्य ये नित्य लीला में डूब जाए। नरोत्तम दास कोए नित्य लीला सुखमय, सदाई स्पुरुक मोर मोने। नरोत्तम दास की एक ही प्रार्थना है राधा रानी से, हे राधे आपकी नित्य लीला सदा मेरे मन में स्फूर्ति हो। और राधा कुंड ऐसा धाम है जिसमें नित्य लीला जागृत हो जाती, बहुत स्ट्रांग हो जाती, क्योंकि यहाँ नित्य लीला हो रही है, डेली हो रही है, स्ट्रांग। तो इसलिए कल गुरु पूर्णिमा है, सनातन गोस्वामी का तिरुभाव है। तम सनातन प्रभुम आश्रयामि, वहाँ नंदगांव में पावन सरोवर में सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर है, वहाँ उनके कुटीर के ऊपर लिखा गया उनका प्रणाम मंत्र, पर दुख दुखी भूल गया पूरा। दूसरे के दुखों के बहुत दुखी हो जाते हैं, ब्रजवासियों के दुखों में दुखी हो जाते हैं। हर ब्रजवासी के घर में जाते हैं, सनातन गोस्वामी खटखटाते हैं, उनका कथाएं सुनते हैं, इतने दयालु हैं। जब रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को रिजेक्ट कर दिया था तो जीव गोस्वामी ने गुफा के अंदर जाके भजन किया, उपवास किया, तो सनातन ने जीव को वापस लाया। कितने दयालु है सनातन, बोले रूप को वापस लो। अरे रूप, तुम तो राधा रानी के परम भक्त हो लेकिन जीव दया नहीं जानते, जीव दया? रूप ने बोला कौन सा जीव दया? बोले तुम्हारे शिष्य जीव के ऊपर दया। वो जीव बेचारा रो रहा है गुफा में, बोलता है गुरुदेव के बिना मैं जी नहीं सकता। उसने कुछ गलती नहीं की थी, उसने अपने गुरुदेव की रक्षा की थी। वो वल्लभाचार्य जी आए और वल्लभाचार्य ने रूप गोस्वामी के भक्ति रसामृत सिंधु में कुछ गलती निकाली, बोला आपने मुक्ति और भुक्ति को पिशाची क्यों कहा है? तो वो चल गए, तो जीव गोस्वामी पंखा दे रहे थे रूप गोस्वामी को, तो जीव गोस्वामी को बहुत बुरा लग गया, बोलते मेरे गुरुदेव को ऐसा बोल के कैसे चले गए। तो वो वल्लभाचार्य के पीछे पीछे गए जमुना के तीर में, बोले रुक जाओ, मेरे गुरुदेव ने भुक्ति और मुक्ति को पिशाची नहीं कहा, भुक्ति मुक्ति स्प्रिहा को पिशाची कहा है। तो वल्लभाचार्य ने को बहुत वर्णन किया शास्त्र में से, तो वल्लभाचार्य ने जीव गोस्वामी को दंडवत कर दी जमुना पे। फिर वल्लभाचार्य दौड़ के आए, बोले रूप को आपका शिष्य इतना महान है तो आप किसने होंगे, मुझे भक्ति रसामृत सिंधु आपका चेक नहीं करना है, लो आप। तो रूप गोस्वामी को गुस्सा आ गया। रूप गोस्वामी बोले जीव तुमको किसने बोला था ब्रज में रह के नम्र रहना चाहिए? उन्होंने मेरी गलती निकाली तो मैंने स्वीकार कर ली, तूने क्यों गया कहा उनसे, जाओ अभी तुम मेरी सेवा नहीं कर सकते। ऐसा गुरुजी बोलेंगे तो शिष्य को तो बहुत दुख होता है, क्या हालत होती होगी जीव गोस्वामी की। सब कुछ छोड़ के आए थे रूप गोस्वामी के पास, वो जाके गुफा में अभी भी वो धूली है सेवा कुंज में, रूप गोस्वामी के भजन कुटीर के साइड में एक खड्डा, उसमें जीव गोस्वामी की धूली है, वहाँ ही आजू बाजू में भजन किया था उन्होंने गुफा में।
तो बाद में जब सनातन ने जीव को उठाया और रूप गोस्वामी के पास लाया और रूप गोस्वामी ने अपने शिष्य को ठीक कर दिया, गुरु ने शिष्य का सेवा किया, उनको पंखा दिया जीव को, तो इस प्रकार से ये ब्रज भूमि में अनंत लीलाएं हैं। इनका स्मरण, हमारी गोस्वामी की लीलाओं को तो सुनने से आंख में आंसू आते। ये छाए गोसाई जावे ब्रजे कैलवास, राधा कृष्ण नित्य लीला करेला प्रकाश। केवल उनको देखने से राधा कृष्ण की नित्य लीला याद आ जाती। छे गोस्वामियों को हम कितने दुर्भाग्यवान हैं कि हम उनके चरण कमलों को नहीं देख पाए, जो राधा रानी के सबसे अंतरंग पार्षद छे गोस्वामियों के, इन हमारा जन्म नहीं हुआ कि खुद कीड़े मकोड़े के रूप में हम किधर होंगे। 500 साल पहले हम ये सब सुंदर दर्शन नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, राधा कुंड आके हम उनकी लीलाओं का ध्यान कर सकते। षड गोस्वामी की लीला, उनकी लीला का ध्यान करने से हमें राधा कृष्ण की प्राप्ति होती। गौरांगे रसंगी गणी नित्य सिद्ध करी मानी, तारो जाए ब्रजेंद्र सुत पाश। जितना आपको श्रद्धा होगी गोस्वामियों में, उतना आपको कृष्ण के निकट आ जाएंगे। आप उनको नित्य सिद्ध मानेंगे, उनकी गौर लीला और कृष्ण लीला में उनका स्वरूप जानेंगे, तो आप तो गुरु पूर्णिमा में सनातन गोस्वामी को सब ब्रजवासी गुरु मानते थे, इसलिए उनके तिरोभाव दिवस को गुरु पूर्णिमा के रूप में। यहाँ क्योंकि गोवर्धन महाराज जी भगवान की गायों को घास देते हैं, पीने के लिए पानी देते हैं, और वृक्षों के द्वारा छाया देते हैं भगवान के सखाओं को, गोपियों को सीक्रेट गुफा देते हैं कृष्ण के साथ लीला करने के लिए, गोवर्धन महाराज सबकी सेवा करते हैं, इसलिए यहाँ के सब लोग गोवर्धन जी को ही गुरु मानते हैं। इसलिए गुरु पूर्णिमा में उनकी प्रदक्षिणा लगा। जो सबसे ज्यादा सेवा करता है वो सबसे बड़ा गुरु है। गुरु का मतलब ये नहीं कि फायदा उठाएगा, सेवा करे। तो यही गोवर्धन गिरिराज की महिमा है। वो बहुत भगवान की रात को भी सेवा करते, दिन में भी करते। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में महाराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। अब राधा कुंड में बैठे ये गिरिराज के शरण में बैठे, गिरिराज जी का सबसे उल्लासित स्वरूप। आप किसी की ओर देखेंगे तो आप कहाँ देखेंगे, उनके मुख में ही तो देखेंगे। तो वैसे ही राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरिराज जी का मुख, हमें उनके मुख, मतलब यहाँ इतने दिव्य स्थान में कई कई साधु लोग तो यहाँ रहते नहीं है, वो थोड़ा दूर रहते हैं ताकि गिरिराज जी के मुख के ऊपर नहीं रहें, बहुत सम्मान देते, लेकिन हम उनकी कृपा है, दयालु हैं, तो इसलिए वो गुरुदेव हैं। बोलो गुरुदेव गोवर्धन महाराज की जय। तो ऐसे गुरुदेव को मानते हैं। और
बड़ा दुर्भाग्य है कि इन लोगों ने ये राधा कुंड का दर्शन बंद कर दिया है। गुरु पूर्णिमा में जो लाखों लोग आते हैं उनको एटलीस्ट जल का तो स्पर्श करना चाहिए। हमेशा गवर्नमेंट ऐसे ही करती है। पुरी में रथ यात्रा में भी वो जो पुलिस है वो रथ होता है 250 फुट लंबा, रथ का रस्सी 8 इंच मोटा, 6 इंच 8 इंच मोटा होता है और हर रथ में 4 रस्सी रहती है, तो उसमें से 3/4 हिस्सा तो पुलिस खींचता है, बाकी का 1/4 भाग सब भक्तों को मिलता है। इसलिए इतनी गर्दी हो जाती है वो 1/4 भाग को स्पर्श करने के लिए, और वो पुलिस लोग सब जूता पहन के खींचते हैं उनको, कोई मतलब मैनेजमेंट की दृष्टि से। कोई कोई होंगे जिसको श्रद्धा होगी, लेकिन तो गवर्नमेंट को भक्ति भाव पता नहीं है, इसलिए कभी कभी उनके नियम ठीक नहीं हो जाते। जब ज़्यादा यात्री आते हैं तब तो राधा कुंड को ज़्यादा कृपा ले सकते हैं, तो स्नान करते जाते हैं और डूब जाते हैं। तो आप राधा कुंड के आजू बाजू तरैया रखिए, कोस्ट गार्ड कहते हैं उनको, तुरंत कोई भी आऊ करेगा छलांग लगा के उसको बचा के पकड़ के ऐसा कीजिए। और जो भी स्नान कर रहे हैं उसको एक स्पीकर से अनाउंसमेंट करते रहिए, ज़्यादा गहरा मत जाइए आप, ऐसा कीजिए। लेकिन इतने दूर दूर से लोग आए हैं तो उनको कुंड के स्नान से क्यों वंचित रख रहे हैं? तो गुरु पूर्णिमा के दिन हमारे सन्यासी लोग शेविंग करते हैं रोड़िया मठ में, पूर्णिमा के दिन, हर पूर्णिमा। और पूर्णिमा के दिन भगवान का भी प्रगट्य हुआ था फाल्गुनी पूर्णिमा, और इस गुरु पूर्णिमा के दिन वेद व्यास की पूजा हुई थी श्री वासांगन। नारद जी ने वेद व्यास की पूजा किया। वेद व्यास हैं वो नारद जी के शिष्य हैं, लेकिन श्रीवास ठाकुर नारद जी हैं, उन्होंने वेद व्यास के फोटो को पूजा किया और नित्यानंद प्रभु के हाथ में हार दिया, और नित्यानंद प्रभु ने वो हार वेद व्यास को नहीं पहनाया लेकिन गौरांग महाप्रभु को। बोले अनंत कोटि वेद व्यास इनके शरीर में हैं, जगत गुरु हैं। हर चतुर्युग में वेद व्यास बदलते रहते हैं, अगले चतुर्युग में वेद व्यास कौन बनने वाला है? अगले अश्वत्थामा, जो सात चिरंजीव में अश्वत्थामा है, अभी भी जी रहा है वो, गुजरात में दिखाई देता है कभी कभी, बड़े बड़े पैर उसके, भगवान ने उसका मणि ले लिया, निकाल लिया, वो बहुत कष्ट में है, उसको बहुत हजारों साल भुगतना पड़ेगा, लेकिन उसमें प्रायश्चित कर रहा है, वो क्षमा मांग रहा है भगवान से। तो अगले युग में, चतुर्युग में अश्वत्थामा ही वेद व्यास बनेगा, और अगले चतुर्युग में तो कृष्ण भी नहीं आएंगे और गौरांग भी नहीं आएंगे, वो तो 2000 युग बीत, मतलब चतुर्युग के बाद आएंगे। तो इसलिए अगले चतुर्युग में अश्वत्थामा वेद व्यास जी गौरांग पुराण संस्कृत में लिखे, गौरांग की लीला। अभी 18 पुराण में गौर पुराण नहीं है, क्योंकि गौरांग बाद में आए, वेद व्यास जी ने पुराण पहले लिख दिए थे, और भगवान ने भी बोला था कि मेरे कलयुग के जो अवतार का वर्णन मत करना, क्योंकि मैं राधा का प्रेम चखने को आ रहा हूँ और तुम मुझे भगवान बोल दोगे तो सब लोग मेरे गंभीरा में इतना डिस्टर्ब करते रहेंगे लाखों लोग कि मैं राधा का प्रेम आस्वादन नहीं कर पाऊँगा, इसलिए ये मत बताना। लेकिन अभी उनके जाने के बाद सबको बता सकते,
तो इसलिए पूरा पुराण पुराण लिखाया जाएगा। तो ऐसे साहित्यिक अवतार वेद व्यास, जिन्होंने एक वेद को चार बनाए, दया, जो संसार में ग्रंथ लिखते हैं वो बड़े दयामय वैष्णव हैं। वेद व्यास जी ने इतने ग्रंथ लिखे, इतने बाद में श्रीमद् भागवत लिखे, तो इसलिए वेद व्यास जी की पूजा होती है, गुरु परंपरा की पूजा होती है, अखंड गुरु नित्यानंद प्रभु की पूजा होती है, समष्टि गुरु तत्व, और अंत में भगवान गौर हरि के षडभुज की पूजा होती है, जो षडभुज उन्होंने दिखाया था, चार हाथ शंख चक्र गदा पद्म और दो हाथ से मुरली पकड़ा था। तो ये हम उत्सव कल मनाएंगे, समय बहुत लेट हो चुका है, आप भी थक गए हैं, मैं भी कल पूरी रात सोया नहीं क्योंकि फ्लाइट जल्दी होती है ना, तो कल रात को भी कथा दिया हमारे टेरेस में, जहाँ से जगन्नाथ मंदिर दिखता है आश्रम, सुंदर हवा बह रही थी, पूरी की हवा खाने के बाद अभी राधा कुंड की हवा, पूरी में हवा बहुत बहती है समुद्र की। कोई प्रश्न है? मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत दूर दूर से आए मुंबई से गुरु पूर्णिमा के लिए, राधा रानी कभी नहीं भूलेंगी। थोड़ा प्रयत्न किया आपने, इसलिए मैंने हमारे आश्रम इसीलिए बनाया कि इस कमरे में कोई एक भक्त एक रात भी राधा कुंड रहेगा, उसकी भक्ति इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी, राधा रानी का प्रिय भक्त बन जाए। एक दिन राधा कुंड में रहना वृंदावन में 100 दिन रहने से भी ज्यादा शक्ति है। तो इसलिए मेरी इच्छा है, जो लोग मतलब कभी राधा कुंड रहे नहीं है, आते हैं तो भी वृंदावन में अच्छे अच्छा वो धर्मशाला ढूंढते बहुत हैं, क्या है वो अखंड आनंद फोगला और द धनु का महेश्वरी अग्रसेन, ये सब कई कई धर्मशाला है, लेकिन राधा कुंड में वास बहुत मुश्किल था क्योंकि यहाँ रहने के लिए कोई स्थान नहीं था भक्तों के लिए अभी एटलीस्ट, और जो रहते हैं वो बहुत मतलब बाबा जी एकदम सिंपल किसी कुटिया में रहना पड़ता था, इसलिए अभी हमने आश्रम बनाया कि, लेकिन हम ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि हम आश्रम में ऐसा कंपलसरी रखेंगे, क्योंकि हम ये होटल गेस्ट हाउस की तरह नहीं है, तो भले अगर कोई भक्त लक्ष्मी दे रहा है रहने के लिए बाहर से आया, हमारा शिष्य नहीं है, दूसरे किसी का शिष्य है, तो भी मेरा विचार है कि हम बोलेंगे कि एक बार शाम को तो कथा में आपको आना ही पड़ेगा, कीर्तन में, आप पैसा दे रहे हैं उसका मतलब ये नहीं है कि आप जो चाहिए वो कर सकते हैं आश्रम, हमको आपका पैसा नहीं चाहिए, हमको ये इच्छा है कि आप कीर्तन और कथा में आए, ये नियम बनाना चाहिए, नहीं तो आश्रम का फायदा क्या, फिर कई इसके शिष्य इनका शिष्य आएंगे इनका शिष्य आएंगे, सब अपना अपना चीज करते रहेंगे ऊपर, और हम खाली मतलब होटल बन जाएगा उनको, तो जो भी आएंगे वो नियम है, नहीं रहना है तो भाई हमारी एक घंटे कथा में नहीं बैठ सकते तो आप दूसरा जगह ढूंढ लीजिए, भले आश्रम खाली रहे कोई बात नहीं, चलेगा ऐसा? खाली तो नहीं रहेगा।
ठीक है। क्योंकि वो रूम में बैठे क्या करेगा हमको पता नहीं है, फिर घूमेगा। हाँ वो आएगा, सिर्फ नाएगा धोएगा और फिर उसको मिलने के लिए कोई आएंगे, फिर वो अपना ही कार्यक्रम, फिर हम प्रसाद दें, हम उनकी सेवा करें, ठीक है। हमको वो लक्ष्य पैसा दे रहे हैं लेकिन फायदा क्या है, होटल के तरफ। हाँ ईश्वर भाई तो वहाँ छोटा किचन था, वो बालकनी था उधर, उसको भी किचन बना दिया था, स्लैब रख के। हाँ ईश्वर भाई संभाल रहे हैं, अमृता राधा रानी का अभी नाम अमृता है। क्यों? क्योंकि राधा रानी जो रसोई बनाती है वो दुर्वासा मुनि ने वरदान दिया कि ये राधे तुम जो हम बनाओगी वो अमृत के समान। तो यशोदा बोलती है अभी राधे को ये वरदान मिला तो राधा को आना ही पड़ेगा डेली नंदगांव में कृष्ण के लिए बनाने के लिए। जाओ कुंडलता लेके आओ राधे। वो जटिला बहुत आर्ग्यूमेंट करती है, नहीं चलती है उसे। जाओ और कल वो दूसरे भी आ रहे हैं रसोई वाले। मेरा किचन छोटा पड़ जाएगा लगता है अभी, पहले मैं दो रूम रखने वाला था किचन, कम खाए और रहने के लिए रूम चाहिए।